अतिथि होने का आचार व्यवहार नहीं जानते, देखते ही नहीं कि पांव किधर आ रहे हैं। मेहमानों को निमंत्रण दे देते हैं, परंतु ये तक नहीं जानते कि उनका मार्ग काटा नहीं जाता। कलिंग वासियों को किसी से सीखने की कोई आवश्यकता नहीं कि अतिथि सत्कार कैसे किया जाए। सबका ज्ञात नहीं, परंतु कुछ हैं जिन्हें सीखने की आवश्यकता है। बहुत अभिमान है स्वयं पर। हाँ, अभिमान मूर्खों का व्यसन होता है देवी, और वो व्यसन मुझे अभी तक लगा नहीं, परंतु उस व्यसन का प्रभाव आप पर अवश्य दिखाई देता है। इतना अहंकार! अरे, आपके साथ विवाह करने वाली स्त्री केवल अश्रु बहाएगी। मेरी जीवन संगनी की चिंता करना छोड़िए, परंतु इतना अवश्य दिख रहा है कि जिससे भी आपका विवाह होगा उस पुरुष के मुख पर कभी मुस्कुराहट नहीं आएगी। प्रणिपात। हाँ, आपकी मानी। चलो, कम से कम ये तो ज्ञात हो गया कि राजकुमारी को किससे विवाह नहीं करना चाहिए। अभिमानी के स्पर्श से ये फूल कैसे खिल गया? क्या ये अच्छा संकेत है? ये फूल कैसे मुरझा गया? क्या ये कोई बुरा संकेत है? यहां मैं बैठूंगा। जहां मद्र नरेश की दृष्टि पड़ जाती है वो स्थल उसका हो जाता है चोल राज। अब ये स्थान मेरा है। यहां सर्वप्रथम मैं उपस्थित हुआ था, और इस स्थान पर तुम बैठना चाहते हो ताकि कुमारी भानुपति की दृष्टि सर्वप्रथम तुम पर पड़े। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। इस स्थान पर हम बैठेंगे। आप दर्पण देखा करें चोलराज। दरिद्रता आपके मुख पर विराजमान है और आप इस प्रथम स्थान पर विराजने आ गए। कहीं ऐसा ना हो कि राजकुमारी भानुमति आपको देखते ही भय से मूर्छित हो जाए। आप हमारा अपमान कर रहे हैं। अपमान तो उसका होता है जिसका कोई मान हो। हम तो आपको अपमान के योग्य भी नहीं समझते। शांत मामा श्री। आप मध्य में बताइए हस्तापुर युवराज। चोल राज अपना अपमान नहीं सहेगा। हुआ चोलराज, उठो, प्रहार करो। मुझे क्षमा करे मद नरेश। मामा श्री का व्यसन कभी जाएगा नहीं। दूसरों को क्रोध दिलाकर उनकी शक्तियों को स्वयं में समाहित करने का गुण है इनमें। चलो अर्जुन। और एक
कुमार दुर्योधन, स्वागत है। युवराज न बन पाने का क्षोभ आप स्वयंवर में विजय होकर दूर करना चाहते हो। मेरा प्रकरण छोड़िए मद्रराज, आप बताइए आप यूं बढ़ती आयु में यहां क्या करने आए? अरे हाँ, कहीं अपने आप को युवा सिद्ध करने के भ्रम को बनाए रखने के लिए। हाँ सखी, उसे देख रही हो? भूल से भी उसे मत चुनना अपना वर, बहुत ही अभिमानी है। इसे ना चुनो सुप्रिया। अब जाने दो, वैसे भी वो उनमें सम्मिलित है ही नहीं जो आपसे विवाह करने के इच्छुक हैं। तो इस पे तुम्हारा मुख क्यों खेल उठा? लगता है जैसे उसे तुमने पहले से ही पसंद कर रखा है। नहीं सखी, ऐसा नहीं है। जो भी है वो तो इस पुष्प ने बता दिया, अब उसका नाम बता दो। वृषाली। काका काकी, सौभाग्यवती शालिनी भाव, सदा सुखी। अब तो तुम सदा के लिए मेरे पास आने वाले। पिताश्री नहीं आए? काका काकी कर्ण तो है नहीं यहाँ। जानता हस्तनापुर में सूचना, कुमार दुर्योधन उसे अपने साथ कलिंग ले गए। परंतु आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ यहाँ आपके स्वागत के लिए। चिंता की बात है वृषाली, युवराज के साथ कुमार अर्जुन भी गए। और वहां उन दोनों को रोकने के लिए ना महामहिम भीष्म है ना आचार्य द्रोण। कहीं कर्ण और कुमार अर्जुन के बीच कोई टकराव हुई, कुछ भी हो सकता है। चिंतित मत हो काका, कुछ नहीं होगा, कर्ण यहां सुरक्षित पहुंचेगा। उसने वचन दिया है मुझे, पूर्णिमा की रात्रि तक वो यहां उपस्थित होगा। किसी भी परिस्थिति में वो अपना वचन नहीं तोड़ेगा, क्योंकि उसका नाम कर्ण है। नाम तो ज्ञात नहीं है सखी, किंतु अहंकारी अवश्य है। कलिंग की राजसभा में आप सभी आगंतुकों का हम स्वागत करते हैं। हमें आशा है कि आपकी सेवा में कोई त्रुटि ना हुई होगी। आज हमारी पुत्री कलिंग की राजकुमारी भानुमती का स्वयंवर है, इसलिए ना कोई चुनौती होगी और ना ही कोई स्पर्धा। आर्य पद्धति के अनुसार राजकुमारी भानुमती आपके समक्ष उपस्थित होंगी।
अंधेरी पुत्री भानुमती आप सभी का परिचय जानेगी और जिस किसी को वो अपना वर चुनेंगी उसी के साथ उनका विवाह संपन्न होगा। राजकुमारी भानुमती आगे बढ़ो। यह है मद्रुपति महाराज शल्य, तलवार चलाने और मल्ल युद्ध में निपुण। इनका युद्ध कौशल समस्त आर्यवर्त में विख्यात है। त्रिकर्ण यही है वो जो मेरी जीवन संगनी बनेगी। कदाचित पूर्णिमा के पश्चात हम दोनों का विवाह एक साथ ही होगा। मित्र तुम भूल रहे हो कि ये स्वयंवर कुमारी भानुमती का है। यहां चुनने का अधिकार केवल उन्हें है। यदि ऐसा है तो उसे दुर्योधन को चुनना होगा। कर अब भानुमति का विवाह दुर्योधन से ही होगा। आप इनके पीछे क्यों खड़े हैं? कौन हैं आप? मैं कर्ण हूं। कर्ण? और ये है हस्तिनापुर कुमार, सम्राट धृतराष्ट्र के पुत्र। ये लगभग यहां अनामंत्रित ही है। ये ना तो कहीं के राजा है ना ही युवराज। मैं कलिंग नरेश से पूछना चाहता हूं कि फिर इन्हें इस स्वयंवर में आने की अनुमति क्यों दी गई? इन्हें अनुमति मैंने दी है शल्यराज, सम्राट धृतराष्ट्र के अनुग्रह पर। उचित है। अब सम्राट धृतराष्ट्र करे भी तो क्या करे? अपने पुत्र के युवराज न बन पाने के दुख में उनके घावों पर लेप लगाने के लिए यहां भेज दिया। भाई हम तो कहते हैं तुम्हारी भानुमति का विवाह इन्हीं से करवा दीजिए। कदाचित विवाह के शुभ अवसर पर इन्हें मुकुट पहनने का सौभाग्य मिल जाए। राजकुमारी भानुमति किससे विवाह करेगी
ये उसका अधिकार है। आपका नहीं शल्यराज। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखो। पांडव नामक कांटे के वृक्ष से अगला शूल तुम्हें न चुभ जाए, इसलिए युधिष्ठिर से पहले तुम्हें विवाह करना ही होगा। बस नहीं मित्र, मित्र स्वयंवर नहीं, हरण है। स्वयंवर कहो या हरण, मैंने भानुमति का वरण कर लिया है। और अब भानुमति का विवाह मुझसे होगा, दुर्योधन से। और ये मैं अपने पल पर करूंगा, अपने पिता के अनुग्रह पर नहीं। तुम में से जिसके भी बाहु में बल हो वो मुझे रोकने का प्रयास कर सकता है। सावधान दुर्योधन। अरे स्वयंवर में हस्तिनापुर का आमंत्रित कुमार स्वयंवर का हरण कर ले, ये हस्तिनापुर की मर्यादा का हनन है और नारी की गरिमा का भी। युवराज का अनुज होने के नाते मैं ये नहीं देख पाऊंगा। आज आप मुझे मत रोकेगा। सावधान दुर्योधन। तो राजकुमारी भानुमति को छोड़ो या फिर युद्ध के लिए प्रस्तुत हो जाओ। अब मैं भानुमति को छोड़ूंगा और न ही तुम्हारे साथ मैं युद्ध करूंगा अर्जुन। मित्रकण, जिस प्रयोजन से मैं तुम्हें साथ लाया उसे सिद्ध करो। अर्जुन,
आज तुमसे यह युद्ध मेरा मंतव्य नहीं कर्तव्य है। मैं यहां कुमार दुर्योधन की ढाल बनकर आया हूं। आज हमारे बीच कोई नहीं, ना आचार्य द्रोण, ना पितामह, ना दिन बीतने की चिंता और ना ही किसी निर्दोष के मारे जाने का भय। हाँ, ये मेरे युद्ध की ललकार भी है और मेरे कर्तव्य की पुकार भी, मुझे स्वीकार है। अंग हस्तिनापुर के अधीन है और हस्तिनापुर के युवराज होने के नाते मैं आपको आदेश देता हूं कि आप बाण नहीं चलाएंगे। और अर्जुन, यदि तुम्हें अपने ज्येष्ठ भ्राता का तनिक भी मान है तो तुम प्रहार नहीं करोगे। परंतु क्यों भ्राता श्री? क्योंकि हस्तिनापुर यदि हाथ है तो हम सब उसकी उंगलियां हैं और एक ही हाथ की उंगलियां एक दूसरे को नहीं मारती। क्योंकि एक ही तनूर के बाण एक दूसरे को नहीं काटते। दुर्योधन ने उचित किया अनुचित, ये एक पारिवारिक प्रकरण है। इसका निर्णय हस्तिनापुर में लिया जाएगा, यहां नहीं। यदि यहां हस्तिनापुर के कुमारों के मध्य संघर्ष हुआ तो हस्तिनापुर उपहास का पात्र बन जाएगा। परंतु यह युद्ध मेरे और कर्ण के मध्य है। बाण नीचे करो अर्जुन। अंगराज, इस समय अनुज दुर्योधन के प्रतिनिधि हैं। दुर्योधन,
मेरे मार्ग में मत आइए मद्र नरेश। मेरा परामर्श है आप सही मार्ग पर वापस आ जाएं। हस्तिनापुर कुमार, राजकुमारी भानुमती को छोड़ दो या फिर अपनी धृष्टता का परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। परिणाम की चिंता व्यापारी करते हैं, दुर्योधन केवल युद्ध करता है। तो फिर किससे युद्ध करना चाहते हो? चुन लो। इससे और आपसे भी। युवराज युधिष्ठिर, यदि कोई और दिन होता तो आपके इस तर्क की काट अवश्य प्रस्तुत करता, परंतु आज मेरे मित्र को मेरी सहायता की आवश्यकता है। अर्जुन, जीवन लंबा है, आज नहीं तो कल एक दिन अवश्य आएगा जब हमारा अधूरा द्वंद अवश्य पूरा होगा। चिंता छोड़ो, भानुमती को रोको। कौन रोको उन्हें? तुम्हारा मान और प्राण सुप्रिया का उत्तरदायित्व है। क्या हुआ दुर्योधन? बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और अपनी सहायता के लिए एक सूत पुत्र को बुला रहे। एक समय वो था जब गंगा पुत्र देवव्रत ने अकेले 3 काशी कन्याओं का हरण किया था, और आज 3 पीढ़ी पश्चात परिस्थिति यह है कि हस्तिनापुर के महाराज कुमार अपनी सहायता के लिए एक सूत पुत्र को बुला रहे हैं। मद्र नरेश, अरे दुर्योधन,
क्या हुआ? क्रोध आ गया? आक्रमण करोगे? तो करो। मैं प्रस्तुत हूं। सावधान। ना हिलने का प्रयास करना और ना राजकुमारी भानुमती को स्पर्श करने का, वरना अपने प्राण से जाओगे। तो तुम द्वंद करना चाहती हो, तो आओ आगे बढ़ो। कुमारियों के हाथ में मेहंदी शोभा देती है, खड़क नहीं। और सच्चे वीर पुरुष को हरण करना शोभा नहीं देता। जितनी तीव्रता तुम्हारी जीभ में है, उतनी तीव्रता तुम्हारे प्रहार में नहीं। कुमारी रुक जा। जो रुक गया वो विजय कैसे प्राप्त करेगा? शत्रु का क्रोध शल्य के जीवन का अमृत है। दुर्योधन, अब तुम्हारी सहायता के लिए कौन आएगा? बस हुआ, खेल समाप्त। वीरांगना पराजित हुई, अब शांत रहना तुम्हारा धर्म है। बस करो हस्तिनापुर युवराज, क्यों कौरव वंश को लज्जा रहे हो? अपनी गदा उठाने के लायक तो हो नहीं, भानुमती को कैसे ले जाओगे? हम सबका अपमान करने वाले, देखते हैं अपना मान कैसे बचा पाओगे। अपमान का प्रतिकार है शत्रु के प्राण। और मित्रता का केवल एक प्रमाण होता है, समर्पण। एक मित्र के लिए सबको शत्रु बना लेना मूर्खता है युवराज। जरा संदेह था इसलिए तुम जीत गए, मगर हम अनेक हैं, हमें कैसे हराओगे?
राधे का केवल एक लक्ष्य है, परिवर्तन। यदि किसी में भी बल है तो आगे बढ़ो। आनंद आएगा, स्वयंवर में विजय प्राप्त करने से अधिक तुम्हें पराजित करने में आएगा। कर्ण, सुना है अंगराज में बहुत क्रोध है और शल्य को क्रोध का प्रतिकार करने में सबसे अधिक आनंद आता है। जितने कठोर तुम्हारे बाण है कर्ण, उतना ही कठोर तुम्हारा हट भी है। कहा था अर्जुन ने कि स्वयं को सिद्ध करने की लालसा तुम में बचपन से थी। इस हट की ज्वाला को तुम्हारे भाई शोन की चिता की अग्नि भी शांत नहीं कर पाई। क्रोध आ रहा है कर्ण। बाण इतने उग्र कैसे होते? तुम्हारे क्रोध से मुझे शक्ति मिलने चाहिए थी, फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भले ही शत्रु द्वारा किया गया क्रोध आपका सबसे बड़ा शस्त्र है, परंतु शत्रु द्वारा उत्पन्न किया गया क्रोध कर्ण का सबसे प्रबल अस्त्र है। सूर्य और दीपक में जो अंतर है, वही अंतर कर्ण और अन्य योद्धाओं में है। आज आपने सूर्य को सामान्य दीपक समझकर हाथ में लेने की भूल की। आज गुरु परशुराम का शिष्य कर्ण आपके सामने खड़ा है। ओ गुरु परशुराम, जिन्होंने मेरी दुर्बलता को, मेरे क्रोध को मेरी सबसे बड़ी शक्ति में परिवर्तित कर दिया। अब आप शक्तिहीन हैं, आप मेरे बाणों का तेज नहीं सह पाएंगे और ना ही मेरे नागपाश का बंधन तोड़ पाएंगे।
बंधन में मत बांधो कर्ण, हमारा वध कर दो, नहीं तो शल्य को कभी शांति नहीं मिलेगी। जैसे सूर्य को राहु के ग्रहण से सदा भय रहता है, अगर हम जीवित बच गए हम राहु की तरह तुम्हारी कुंडली पर छा जाएंगे कर्ण, सदा सदा के लिए तुम्हें ग्रास जाएंगे। हमें मुक्त करो कर्ण। राधे चुनौती समाप्त करता है, चुनौती देने वालों को नहीं। आपकी चुनौती समाप्त हुई, इसलिए अब यह युद्ध भी समाप्त हुआ। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मेरा अनुमान सही से दुआ मित्र, मैंने तुम्हें यहां लाकर कोई भूल नहीं की। चंद्रमा की ओर देख के समय व्यर्थ मत करो कर्ण, तुम्हें अभी एक और वचन को पूर्ण करना है। पूर्णिमा के पूर्ण होने से पूर्व हमें अंग प्रदेश पहुंचना है। चलो मित्र। हर दिन कुछ बढ़कर मुझे सताने का प्रयास ना करो चंद्रदेव, तुम्हारे पूर्ण होने से पूर्व ही मेरा कर्ण अपना वचन पूर्ण करेगा। मेरे जीवन का सूर्य, मेरा कर्ण मेरे समक्ष प्रस्तुत होगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.